मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों ने आवास दिलाए जाने हेतु प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हम पात्र लोगों को आवास मुहैया नहीं कराया जाता तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण बीडी मजदूर कॉलोनी में किया जा रहा था, जिसमें भूमिहीन पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास के तहत 2,50,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें नगर पालिका CMO एवं इंजीनियर द्वारा लेआउट डालकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। हितग्राहियों ने आरोप लगाए कि निजी स्वार्थ के चलते कुछ पार्षदों ने झूठे शिकायतें की और अखबारों में भवन गिराए जाने की सूचना प्रकाशित कराई गई। हितग्राहियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भवन को गिराया गया तो हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, जिसके संबंध में विधायक राकेश गिरी को एक ज्ञापन सौंपा। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कुछ अतिरिक्त आवासों का जो निर्माण हुआ है उसके संबंध में नगर पालिका से सूचना जारी कराई गई थी। यदि किसी व्यक्ति का स्वामित्व है या किसी अन्य प्रकार से योजना में उनको लाभ दिया जा रहा है और किसी के द्वारा निर्माण कार्य किया गया हो तो वो नगर पालिका में संपर्क करें। उसी के संबंध में कुछ व्यक्ति लगभग 16 लोग आवेदन देने के लिए आए हुए थे। पैसा हितग्राही के खाते में गया है, हितग्राही को बनाना है। हितग्राही ने जिसको भी पैसा दिया है उसके लिए संबंधित हितग्राही भी जिम्मेवार है और ये पैसा उन्होंने जिनको दिया है संबंधित के खिलाफ वो प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। नियमानुसार यदि वो हमको लिखित में देते हैं तो हम कार्रवाई उचित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास जो नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ द्वारा बनाए गए थे, आवास बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं। कुछ कांग्रेस के पार्षद ऐसे हैं जो मुझसे व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते हैं और कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं के इशारे पर मेरी छवि खराब करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का आवास में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आवास गरीबों के बन रहे हैं, निरंतर प्रगति है। और 270 के अलावा जो 22 आवास की बात कुछ कांग्रेस के पार्षद अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं वो असत्य है, निराधार है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। जिनने लेन देन या भ्रष्टाचार किया है वो अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार उन लोगों ने द्वारा स्वयं किया गया है, क्योंकि वो जनता के भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर लगे दाव को बचाने के लिए अध्यक्ष और विधायक पर आरोप लगाकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टीकमगढ़ की जनता जानती है, टीकमगढ़ की जनता को पता है। और जो 14 आवास जिन्होंने 22 आवास की बात की है कि ये गलत बने हैं, उन 22 आवासों में 14 आवास वाले आज मेरे निवास पे आए हैं। मुझे उनने ज्ञापन सौंपा है कि प्रधानमंत्री आवास में मुझे पैसा मिला है, मैं मकान बना रहा हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है और लेआउट भी CMO और इंजीनियर द्वारा डाला गया था, उसकी MIS भी है, उसकी जियो टैगिंग भी है। केवल कांग्रेस के लोग जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।